जेड, जेड ई डी, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। अगर देश की उत्तम सेवा करनी है तो हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए कि हम क्वालिटी कंट्रोल में ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम अपना पैर जमाने के लिए, भारत की पहचान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। एमएसएमई, आपके द्वार, सबका साथ सबका विकास, उद्यम उद्यमिता, उद्यमिता विकास। एमएसएमई मंत्रालय उद्यम उद्यमिता और उद्यमिता विकास के साथ साथ नए उद्योग लगाने में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मदद करता है। इस उद्यम यात्रा के कई नाम हैं, पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, गैर उद्यमी योजना, स्फूर्ति, एस्पायर, सीजीटीएमएसई, सीएलसीएसएस और एनएमसीपी। ऐसी 40 से भी अधिक योजनाएं और कार्यक्रम भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीन संचालित हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस स्कीम, लीन टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट विनिर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण। लीन मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस स्कीम यानी लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना दरअसल विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से एक बिजनेस पहल है। इसमें लगातार सुधार की संस्कृति को अपनाना, अच्छी प्रबंधन प्रणाली द्वारा संपूर्ण उत्पादकता में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, प्रक्रिया में सुधार, लागत में कमी, वैज्ञानिक इन्वेंटरी प्रबंधन, बेहतर प्रक्रिया प्रवाह, कम इंजीनियरिंग समय जैसे महत्वपूर्ण सुधारों का प्रयास किया जाता है। इसके लिए लीन विनिर्माण की विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सरकारी स्कीम में हम लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट हमारे को हेल्प कर रही है। ये एक क्लस्टर है जिसके अंदर हमारे को ये समझाया जाता है कि हम अपने प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो हम लीन मैन्युफैक्चरिंग हमने जब से स्टार्ट करी है, उसके बाद हमारे को काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स पता चले हैं जो हमें पहले नहीं पता थे, और उससे हमारे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले लीन क्लस्टर ज्वाइन करा। हमारे वर्कों का, हमारे स्टाफ का, सबका माइंड सेट वहीं का वहीं था। उसको बदलने में लीन वालों ने पूरा सहयोग दिया। पिछले कुछ दिनों में बहुत से जगह से हमें विजिट किया गया और सब ने हमारे प्रोग्रेस को बहुत अप्रिशिएट किया। गवर्नमेंट की स्कीम है लीन मैनेजमेंट की, अप्रैल एक्सपोर्ट कमीशन के थ्रू हमें ये प्रोवाइड हो रही है। पहले नुकसान होती थी हमारे लिए, स्टॉक मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय से इस योजना को कार्यान्वित किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में है। सभी जानकारी वेबसाइट www.dcmsme.gov.in और www.msme.gov.in पर उपलब्ध है। मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से हमारा माल तैयार हो, ग्लोबल मार्केट में उसका स्थान बनना चाहिए, क्वालिटी से युक्त मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इसलिए मिनिस्ट्री की तरफ से हमने कुछ स्कीम तय की है और उसके अंदर हमारी लीन टेक्नोलॉजी आती है, डिजाइन टेक्नोलॉजी आती है, क्वालिटी टेक्नोलॉजी आती है, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारी आती है, जिसके आधार पर अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्वालिटी से युक्त हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, निर्माण होता है, और उसके द्वारा निर्मित माल ग्लोबल मार्केट में एक अपना एक स्थान प्राप्त करता है, उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं। तो हर जगह पर हमारे पास जितना भी टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो 1,000 युवाओं आता है, 10 चौपड़ी पास है के जो 10 से ज्यादा किया है, तो वो लोग आते हैं, तो हमारा सभी सेंटर में जाता हूँ तो युवाओं में उत्साह है, क्योंकि उनको कुछ कोई भी इनोवेशन करेगा तो हम उनको सब्सिडी देते हैं कि भाई तुम खर्चा करो, तुम सब्सक्राइब हो जाएगा, तो बाद में तुमको मशीनरी देंगे, बाद में हम लोन देंगे, तो हमको एंटरप्रेन्योर बनाएगा। एक लड़का नौकरी के लिए नहीं जाएगा, लेकिन एक लड़का 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। प्रधान में क्या सोच है, जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो एक आदमी 10 आदमी को रोजगार देगा, और ये सेक्टर इतना बड़ा है
कि भविष्य में सबसे ज़्यादा व ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बना के रोजगारी देगा और देश को प्रोडक्शन में बहुत जो 45% CBM आगे बढ़ेगा।